नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, योगिक साधनाएं। मैंने कहा ना, मैं योगिक साधनाएं भी देता हूं। योगिक साधनाएं में मैंने की बहुत अच्छी साधनाएं होती है और बहुत अच्छे उनके प्रभाव होते हैं। आज मैं आपको ऐसी योगिक साधना दे रहा हूं, छोटी सी चीज है लेकिन उसका चमत्कार इतना गजब है, इतना बेस्ट है कि आप जैसे ही उस साधना को करोगे कुछ ही दिन में आपको उसका चमत्कार पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? जो साधना आज मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये साधना अर्ली इन मॉर्निंग सूर्य उदय होने के पहले पहले कर लेनी होती है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको योगिक मुद्रा में पद्मासन में बैठ करके ये साधना करनी पड़ती है। इससे इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है कि आपके सारे के सारे जितने भी चक्र हैं ना, एक साथ उन चक्रों को हीलिंग किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जैसे ही ये चक्र आपके सुधरना शुरू होंगे वैसे ही आपको कई प्रकार के लाभ भी संसार में प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। सांसारिक दुनिया जो आपकी है वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर चली जाएगी और आध्यात्मिक दुनिया है वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर चली जाएगी। संसार में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आपके कामों में सफलता, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य सब इस छोटी सी क्रिया से आपको धीरे 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 करके प्राप्त होने लगेंगे। हर काम में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपको बोली में इस प्रकार से बना देगी ये साधना कि जब आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई यार बहुत बड़ा विद्वान बोल रहा है। आप गाओगे तो गायन की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाएगा, आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक के सारे गुण जितने होते हैं वो गुण आपको धीरे 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 करके सारे गुण प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस जिस समय आप इस साधना को करो उस समय पहले आप अच्छी तरह से रेचक कुंभक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कर लिया करो। थोड़ा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कर लिया करो, रेचक करना, कुंभक करना, पूरक करना, पूरक, रेचक, कुंभक और फिर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम इस प्रकार से कर लिया करो। अब आप कहोगे कि ये आप तो बोल दिया लेकिन हम समझेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखिए जिस समय आप सांसों को बाहर फेंकते हैं तो ये रेचन होता है, सांसों को भीतर लेते हैं तो ये कुंभक होता है। और कुंभक मैंने कहा ना पूरक रेचक, और जिस पेट में अपनी सांसों को रोक लेना थोड़ी देर ये कुंभक होता है ना, बाहर भी रोक लेना बाह्य कुंभक होता है। जब सांस को भीतर रोकते हो तो भीतरी कुंभक और बाहर रोकते हो तो बाहरी कुंभक। तो आप सांस को पहले बाहर रोकें फिर भीतर रोकें, और सांस को जब लें तो एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लें। 10-15 मिनट तक इस क्रिया को आप करते रहें और फिर करते करते एकदम स्तंभ वृत्ति का मतलब है जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, जहाँ हैं वहीं सांसों को रोक दें थोड़ी देर, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, बस अचानक से उन सांसों को रोक दें। अचानक से रोक दिया आपने सांसों को, अचानक से सांसें रुक गई आपकी, अचानक से आपने सांसों को रोक दिया, मन की शक्ति से सांसों को रोक दिया। मूलबंध लगा हुआ रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, मूलबंध लगा हुआ हो अचानक से आपने सांसों को रोक दिया, इसे कहते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने के बाद में ये 4-5 प्राणायाम आप कर लीजिए, जैसे पूरक रेचक कुंभक, पूरक रेचक कुंभक करते करते बीच में एक स्तंभ वृत्ति कर लिया, पूरक रेचक कुंभक, पूरक रेचक कुंभक करते करते बीच में एक स्तंभ वृत्ति कर लिया। इस तरह से 3-4 बार आप स्तंभ वृत्ति प्राणायाम इनके बीच में दोहरा लीजिए। 10-15 मिनट की क्रिया में आपका हो जाएगा आराम से, कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको उंगलियां हैं और उंगलियों से छोटी उंगली बड़ी फिर इस प्रकार से उंगलियां आपको मिला लेगी। ये ऊपर की सारी उंगली आपने मिला ली, मिल गई। अभी जो नीचे के अंगूठे अंगूठों को ऐसे मिला लीजिए, अंगूठों को ऐसे मिला करके और एक योनि के जैसी, स्त्री की योनि होती है उसके जैसी एक आकृति बना लीजिए। आकृति बना करके और अब आपके गुप्तांग, जहाँ गुप्तांग है वह गुप्तांग तक ले जाइए इसको, ले जा करके और अब आप मन ही मन कल्पना कीजिए कि मेरी सारी शक्तियाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी सारी शक्तियाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी सारी शक्तियाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार में जा रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार में जा रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता इस योनि मुद्रा को, इसको आप आगे धीरे 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 ले जाइए और जहाँ ये योनि बनती है वहाँ आप अज्ञा चक्र पर ले जा करके छोड़ दीजिए।
समझ गए आप बात को, जहाँ योनि बनती है वहाँ आज्ञा चक्र पर ले जा करके छोड़ दीजिए। फिर इस क्रिया को दोबारा कीजिए धीरे 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 धीरे, कि मेरी सारी शक्तियाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी सारी शक्तियाँ विकसित हो रही है, मेरे सातों के सातों चक्र खुल रहे हैं, सारे चक्र खुल रहे हैं, मेरे चक्र खुल रहे हैं, मेरे चक्र मुझे बहुत उत्तम प्रभाव दे रहे हैं, मेरे अंदर एनलाइटमेंट हो रही है, मेरे अंदर देवता का ईश्वरीय प्रकाश पैदा हो रहा है, आत्मा का प्रकाश पैदा हो रहा है। इस प्रकार से अच्छे अच्छे वाक्य जो है ना वो चुन लीजिए पहले, वो अच्छे अच्छे वाक्य बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए और धीरे 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 करके आहिस्ता एकदम आहिस्ता स्वाभाविक रूप से एकदम आहिस्ता क्रिया होनी चाहिए। फिर वहीं आज्ञा चक्र पर ले जा करके छोड़ दीजिए। बस इस प्रकार से आप कुछ मिनट इस क्रिया को कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जितने जब तक हाथ थके नहीं आप आराम से 10 5 मिनट 10 8 मिनट करते रहिए। फिर देखिए इसका चमत्कार, कुछ ही दिनों में इसके जो मिरेकल्स इसके जो चमत्कार आपको पता चलेंगे, हतप्रभ रह जाओगे कि जो काम आपके परसों से लंबित पड़े थे हो ही नहीं रहे थे, आपके काम फट से होने लगे। जो आपसे शत्रुता रखते थे आंखों में आंखें डाल करके वो आपसे सम्मोहित हो रहे हैं, मित्र बन रहे हैं। लक्ष्मी आपके घर में जबरदस्ती से आ रही है, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रह रही घर में। हर काम में आपको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त होगी और हर काम आपके बनते चले जाएंगे। ये तो सांसारिक है, जिस समय ध्यान करने बैठोगे तो आध्यात्मिकता का पता चलेगा कि आपके भीतर क्या क्या घटित हो रहा है। भीतर आपके जब चक्र एकदम सारे चक्र उदय होना शुरू करेंगे तो आपके भीतर एक अद्भुत प्रकाश पुंज आपको महसूस होगा, चेतना का एक आलोक आपको महसूस होगा। उससे आपकी भीतर की यात्रा, अनंत की यात्रा भी तय होना शुरू हो जाएगी, अनंत की यात्रा भी शुरू हो जाएगी और आपका जीव जो है वो मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। अगर इस साधना को लगातार करते गए तो फिर आपको फिर ये साधना करने की आवश्यकता नहीं, फिर अपने आप जो भीतर होता है वो अपने आप साधना कर लेता है। भीतर का जो दृष्टा होता है वो स्वयं साधना में रत हो जाता है और फिर वो आपको मोक्ष के द्वार पायदान पर ले जा करके छोड़ देता है। इस प्रकार से ये भोग और मोक्ष, संसार और अध्यात्म, प्राणी और परमात्मा दोनों की साधना है, दोनों में भी आनंद से रहने की साधना। दोस्तों छोटी है लेकिन बहुत ऊंची, बहुत अद्भुत, बहुत उत्तम साधना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।